अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नबील कासम। तो आप ये देख सकते हैं हमारे स्काउट कैंप, पंजाब बॉय स्काउट कैंप ट्रेनिंग सेंटर में बर्फ़बारी हुई पड़ी है। तकरीबन 3 से 4 इंच के करीब स्नोफॉल हो चुकी है। ये देखें, कमरे के आगे बर्फ ही बर्फ पड़ी है, तूफानी बर्फबारी थी। हर जगह बर्फ ही बर्फ है और मरी में इससे ज़्यादा स्नोफॉल हुई हुई है, क्योंकि ये मरी से थोड़ा नीचे इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पे कम हुई है और मरी में ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। तकरीबन कल शाम से ले के रात 12 बजे तक बर्फबारी होती रही है। जो लोग हाइक करना चाहते हैं वो तशरीफ ले आए। ये देखें जी, लोग जा रहे हैं अपने अपने कामों की तरफ। वो ये नहीं देखते कि जी बर्फ़ पड़ी हुई है या मौसम ख़राब है। जिन्होंने अपने अपने कामों पे जाना हो वो चले जाते हैं। अभी सूरज भी निकलने वाला है, बिल्कुल मौसम साफ और क्लियर है अभी। देख सकते हैं तहदनी का बर्फ ही बर्फ है। अल्लाह ताला की शान है। अब हम आगे जाकर आपको कैंप फायर सर्कल और दूसरी जगहों के यंग फार्मर ग्राउंड की वीडियो वहाँ पे जाकर बनाएंगे और नीचे का व्यू देखेंगे। देखें लोग अपने अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। देखें मार्केट की क्या हालत हुई पड़ी है बर्फ से। आप देख सकते हैं यहाँ को, ये एक आप गाड़ी गुजरी है रात को, अभी सुबह यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं गुजरी। यहाँ से हम आगे जाएंगे, सुनो ही सुनो। अच्छा, लोग कहते हैं स्नोफॉल में जो है वो ठंड नहीं लगती। ठंड लगती है, क्यों नहीं लगती, लेकिन एक और भी बात है, जब तक बंदा इंजॉय करता रहे तब तक ठंड नहीं लगती, जब इंजॉय करना छोड़ दें फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है जी। तो इसलिए जब आप इस मौसम में इधर आते हैं तो अपना अपने बच्चों का लाजमी तौर पर ख्याल रखा करें। देखें जी,
काफ़ी दूर तक बर्फ पड़ी है, लेकिन 2-3 महीने जो पिछले थे बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। न बारिश हुई न बर्फ, लेकिन अभी कल के दिन जो है बारिश होती रही है, स्नोफॉल भी हुई है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम अब अच्छा हो गया है। देखें कितनी ज़्यादा बर्फ, नीचे जाके वो व्यू दिखेंगे इंशाल्लाह आपको। यहाँ स्लिप होने का बहुत ख़तरा है, पता ही नहीं चलता कहाँ से गुजरना है और कहाँ पे जाना है। अब मैं अपना हाथ थोड़ा सा गर्म कर लूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पटवार हाउस, इसकी भी छत बर्फ़ से भरी पड़ी है। आगे हम नीचे आपको दिखाते हैं। ये देखें जी सामने यंग फार्मर ग्राउंड, टोटली भरा पड़ा है। बर्फ में चलने की आपको आवाज भी आ रही होगी, गड़च गड़च की आवाज आती है बर्फ पर जब बंदा चलता है, बहुत मजा आता है। दरख्तों के ऊपर सूरज भी निकल चुका है, चलें हम अभी नीचे चलते हैं। तो ये जी हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में भी फुल बर्फ ही बर्फ है। तो सारी रात जब बर्फ़ पड़ती रही है तो यहाँ पे सारी आप देख सकते हैं इकट्ठी हुई पड़ी है। ये ऊपर से छत से जब बर्फ़ गिरती है वो यहाँ पे आ गई है, दरख्तों के ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, देख सकते हैं। ये हमारा मुसनाल कैंपस सर्कल, ये हमारा ग्राउंड।